हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मेघाज डिलीशियस किचन। मैं हूँ मेघा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चना दाल पकोड़ा रेसिपी। चना दाल पकोड़ा रेसिपी एक बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। इसे हम चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया और मुझे ये बहुत ही टेस्टी लगी, तो मुझे लगा कि मुझे क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोग भी इसे टेस्ट कर पाएँ और अपने व्यूज़ मुझे बता पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं चना दाल पकौड़ा रेसिपी। चना दाल पकौड़ा रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगी दाल। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दाल को 4 से 5 घंटे पानी में सोख करके रख दिया है। अब मैं यहाँ पर एक बाउल लूँगी, दाल से सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दूंगी। एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद मैं दाल को दूसरे बाउल में ट्रांसफर करूंगी। अब मैं यहाँ पर मिक्सर का जार लूंगी, यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमें यहाँ पर दाल को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है, ताकि जो पकोड़े हैं वो दरदरे और क्रिस्पी बने। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दाल को ग्राइंड कर लिया है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं किया है दाल का। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसी तरह से मैं सारी दाल को ग्राइंड करके बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर पेस्ट बनाने के लिए 3 से 4 टेबलस्पून पानी ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि हमें कुछ इस टाइप का पेस्ट बनाना है, हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब हम यहाँ पर लेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 बारीक कटे हुए कड़ी पत्ते। अब हम यहाँ पर कटे हुए प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ अदरक और कटे हुए कड़ी पत्ते। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे मैं अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फाइनली हमारा जो बैटर है वो फ्राई होने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है हम पकोड़े फ्राई करना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, अब मैं एक एक करके सारे पकोड़े फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पकोड़े गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि हमें पकोड़े लो फ्लेम पर फ्राई करने हैं, हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे, अदरवाइज़ हमारे जो पकोड़े हैं वो ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो पकोड़े हैं वो गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स,
पकोड़ों का कलर कितना सुंदर आया है। अब इसी तरह से मैं सारे पकोड़े फ्राई कर लूँगी। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बने हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके चना दाल पकौड़े कैसे बने हैं। थैंक यू।